तो गुजरात फ्लोरो केमिकल कंपनी के बारे में कहा जाए तो इसका देख सकते हो 5 डेज का रिटर्न कैसा है, 1 मंथ का देख सकते हो, 6 मंथ का देख सकते हो, 1 ईयर का भी देख सकते हो, तो इतना खराब रिटर्न नहीं है। और इसका अगर 5 ईयर का कहा जाए तो भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम देखा जाए तो देखिए दोस्तों कि मैक्सिमम रिटर्न भी इतना ही है, पर यह कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो इसको तो मैं रेटिंग भी दूंगा और उसके साथ मल्टीविगर लिख के भी रखूंगा, क्योंकि आने वाले टाइम में मल्टीविगर बनने के चांसेस है दोस्तों इस स्टॉक का भी, ठीक है। तो आई होप इसके बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि इसका पास्ट रिटर्न कैसा था। तो कुछ दिन पहले ही मार्केट में लिस्टेड हुआ था और लिस्ट होने के बाद ही मार्केट में कंटिन्यूसली तेजी दिखने को मिल रहा है। और इसका हाईएस्ट प्राइस के बारे में कहा जाए तो 3,000 रुपीज़ को इस स्टॉक ने हीट करके आया है दोस्तों, ठीक है। तो धीरे धीरे ये ग्रो होता जा रहा है और नेक्स्ट 5 साल के अंदर स्टॉक अच्छा खासा ग्रोथ करने का चांसेस रखेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको भी तो एटलीस्ट 7 स्टार दिया ही जा सकता है, ठीक है। तो 7 स्टार नहीं देते, थोड़ा बहुत कम ही देते, पर अच्छा खासा ग्रोथ करने में दिखने को मिलेगा ये स्टॉक भी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और एनालिसिस करके पैसा लगाना दोस्तों, ठीक है। तो मैं गुड ब्लेस यू, गुड बाय।